उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार लाल ने केंद्रीय अंतरिम बजट की समीक्षा करते हुए कहा कि अंतरिम बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों व किसानों को चिन्हित किया गया है। ये बजट विकसित भारत 2047 का रास्ता प्रशस्त करता है। लघु उद्योगों से होते हुए गांव का विकास और गांव से होते हुए लघु उद्योग विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान समय में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। ये बजट स्टार्टअप में मील का पत्थर साबित होगा। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। निर्मला सीतारमण ने 2024 का ये जो बजट पेश किया है वो अंतरिम बजट है और चुनावी बजट इसको हम नहीं कहेंगे। उसका मूल उद्देश्य है कि वार्षिक बजट जो होता है पूरा राजकोषीय घाटे को भी उसमें दर्शाया जाता है, जैसा कि उन्होंने राजकोषीय घाटे को चर्चा ही नहीं किया। एकमात्र उन्होंने स्टार्टअप की बात करी है जिसमें कि महिलाओं के उत्थान के लिए और युवाओं के विकास की बात करी है, किसान के विकास की बात करी है और गरीबों के विकास की करी है, जिसमें 25 करोड़ वर्तमान समय में लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल करके उन्होंने ये बता दिया कि अब हम जो है 2024 जो विकास विकसित राष्ट्र के रूप में हम जाना चाहते हैं।